कौन सा गिफ्ट? ये लो, बात करते करते कुछ आ भी गया हमारे पास, पता है? ये क्या है अभिषु? होंडा की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट आया है, इतना चुंदर चुंदर सा। चलो 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 खोले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो है आज धनतेरस, और धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। और आप देख पाओगे यहाँ पे ये सारा का सारा निकाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद मेरा हुआ था मालिश। मालिश के बाद आप सोचो, जब बेबी घर में आ जाता है ना, बहुत सारे काम होते हैं। सो सारे के सारे काम होते 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 अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ, बट क्या है ना, जो आपके स्टिच लगे होते हैं ना, उनमें आपको पेन होता ही होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। सो मुझे पेन हल्का हल्का हो रहा है। सो अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। मतलब उन्होंने हमें 1 वीक के बाद बुलाया था, पर पेन थोड़ा सा हो रहा है तो सोचा कि एक बार दिखा लेते हैं। और क्या है ना, जो दूध है बेबी के लिए वो ज़्यादा नहीं आ रहा है, फीड नहीं कर पा रहा है बेबी। सो वो भी दिखाने के लिए जाना था। उस बीच में मम्मी ने मालिश करी तो बेबी उठ गए। ऐसा क्या होता है ना, जब आपका छोटा बेबी होता है ना, तो वो मिनट मिनट में उठता ही रहता है। सो वो उठ गया। उठने के बाद क्या हुआ ना, मुझे मुझे उसको लेना पड़ा। और फिर क्या हुआ ना, लेट होता गया होता गया। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है दिन का। वैसे मैंने मूंग दाल खा लिया था, हलवा भी खा लिया था आटे का। सो वो इनफ था अभी के लिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, बस ये गरम गरम चीज़ें ही खानी है। तो उस बीच में क्या हुआ ना, जब बेबी उठ गया सो मुझे लगा मैं बैठी हुई हूँ आराम से, तो ये अलमारी भी सेट कर देती हूँ। सो मैंने अलमारी सेट करी है और मम्मी ने मालिश करी ना, तो मम्मी देखो कितने बुरी तरीके से थक के सो चुकी हैं। सो ये देखो आप ना, अश्मित जी अलमारी दिखाएंगे। अश्मित जी अलमारी दिखाओ। अभी रुको 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 रुको, देखो हमने इस तरीके से इसको डेकोर किया है। बस में नाम लिखना है विशु का और ईशु का। सो ये हमारी है अलमीरा, ऊपर का पोर्शन है विशु का और नीचे का हाफ है विशु का, और हाफ है ईशु का, और पूरा नीचे का है ईशु का, है ना। सो ये हमने अलमारी अभी सेट कर दी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी अश्मित जी बोल रहे हैं कि आप बाजार नहीं जाओगे, और मैं फोर्स कर रही हूँ कि हम बाजार चले जाते हैं। आज धनतेरस है, सो धनतेरस के लिए हम कुछ धन लुटाने जाएंगे हम, धन लुटा के आ जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो तो बहुत निकम्मा लग रहा है, क्या बात। तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ हूँ ना आपके साथ। बस बस, आप लेके जाने वाले हो ना मुझे? सॉरी ये बाबू, अब तो बेबी चला गया, अब ऐसे हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे हाथ लगाकर बेबी चला गया तो बाबू मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। देखो मम्मी ने पता इतना आपको पता 1 घंटे तक मालिश करी, क्योंकि मालिश वाली आंटी नहीं आ रही है, आ नहीं रही है। अश्मित जी जानबूझ के नहीं बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता है मम्मी ने 1 घंटे तक मालिश करी मेरी, तो अश्विन जी ने कैमरा ले लिया है थोड़ा सा। अश्विन जी थोड़ा और पीछे कर दो, ठीक है। तो ये बालों को अभी थोड़ा सा कवर करके रखना है, क्योंकि इनमें अभी पानी है। सो मैंने ये स्वेटर भी वेयर कर लिया है, अभी थोड़ी देर के बाद निकाल देंगे क्योंकि सफोकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारा नन्ना मुन्ना भी रेडी है, और हमारे यहाँ पे ये राजकुमार, सहनसा राजकुमार भी रेडी है, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा को हिचकी आ रही है। सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं मार्केट। मार्केट से मुझे पता बहुत सारा सामान लेके आना है। आपको पता बेबी होता ना टम्मी में, तब भी मुझे जाना था और अभी भी मुझे जाना है। कोई नहीं लेके जा रहा आपको, ऐसा मत बोलो। कोई नहीं ले जा रहा आपको, मैं आम आम से चल लूंगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही है ना, तो आराम। अभी नहीं जाना, 3 दिन बाद जाना है। देखो और जो पेन हो रहा है वो किले पेन, हाँ। तो मुझे लाना है बेबी के लिए नजरबंदी 1 जोड़ी कपड़े, न्यू बेबी के लिए कपड़े, विशु के लिए टेबल। हमने जो टेबल मंगाई थी ना जब मैंने शूट किया था, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, बट क्या हुआ ना, थोड़ी टाइम बाद उसका जो पैर था ना वो चटक सा गया, तो इसलिए हमने वो रिटर्न कर दी। तो ये लेके आना है, थोड़ी सी दिवाली के डेकोरेशन का सामान लाना है। ज्यादा अच्छे से तो नहीं करेंगे, जितना भी करेंगे करेंगे ऐसी हालत में, पर आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत अच्छी हूँ अभी। मुझे अच्छी हूँ, अरे अपनी तारीफ अपने आप, मतलब स्वस्थ हूँ।
प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस अच्छा। थोड़ा सा होता है ना वीकनेस। ये तो सब आप जाने की वजह से कर रहे हो, मुझे पता है। शाम को आप वैसे बोलोगे हैप्पी रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ना तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, बट अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मेरी मम्मी लोग रख रहे हैं। मम्मी को तुमने फिर उठा दिया बातें कर करके ना। सोचा मम्मी के मालिश कर रहे हैं, मम्मी बहुत कर रहे हैं आपको। मम्मी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर नहीं मालिश नहीं कर रहे अभी। आज आपको पता है मैंने विशु को ना, विशु को सॉरी इशु को ना कुर्ता पहनाया, पता है कौन से वाला? जो विशु ने अपने 6 मंथ में पहना था अनप्राशन के दिन, और इतना क्यूटू लग रहा है ना। मैं अभी दिखाऊंगी आपको ना, अभी सो रहे हैं तो अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। ओके, सब कचड़ा आ रहा है पीछे का, ये आपका। ये कचड़ा तो आपको करना है ना सही। अश्मित जी को एक काम दो, आपको पता है सुबह 3 मजदूर लगे हुए थे, तीनों मजदूरों ने ये सब कर तो दिया है। अब वो आज की दिहाड़ी उनकी कंप्लीट हो गई है, अब कल की नेक्स्ट दिहाड़ी पे आएंगे। 500 रुपीज देते हैं हम उनको एक दिन के। सो ये पता नहीं कब होएगा, कब होएगा अश्मित जी? तबीयत खराब है मेरी। ओ अश्मित जी को पता नहीं क्या हो रहा है यार, जब से मतलब बेबी हुआ है ना, शायद से उन्होंने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल कर लिया उस टाइम पे। सीरियसली मैं आपको ना जब अपना प्रेगनेंसी वो डालूंगी ना, डिलीवरी व्लॉग के किस तरीके से क्या हुआ, तब मैं उसमें आपको सब सच बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। अश्मित जी ने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है, हम तीनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बेबी ने, मैंने और बेबी के पापा ने। तो मैं कुछ खा लेती हूँ, बहुत बातें कर रही हूँ। ये बोलते हैं मुझे कि आप तो लगते भी नहीं हो कि बेबी डिलीवर करके आए हो, बट जिस दिन बेबी होने वाला था उस दिन तो हालत देखने वाली थी, है ना बाबू? कैसी थी उस दिन? बस जी, मम्मी चुप हो जाओ। विशु गिर मत जाना, आप खोलो खोलो। विशु, विशु की कटिंग कैसी लग रही है आज? तो विशु भी हीरो बन गए। सो गाइस मेरे हस्बैंड जी को क्या बोलते हैं ना, आ गया बस। जैसा कि आपको पता है होंडा में है तो बोनस मिलता है, सो अभी 1 लाख कुछ रुपए मिल गए होंगे, है ना? बिना हो गया ना तुम्हारा बोनस आ गया होगा बैंक में, ठीक है ना? और उसके साथ साथ मिलता है आपको ये ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि आप खा के मोटे हो जाओ, ठीक है? और उस 1.5 लाख रुपए की खुशियां मनाओ। इस खुशी के साथ होंडा वालों को हम दिल से थैंक यू बोलते हैं कि वो हमें इतना प्यारा गिफ्ट देते हैं, जिससे कि हमारी सेहत बनी रहे, है ना? है ना विशु, होंडा वालों को हम थैंक यू बोले, वो हमारी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं। बताओ विशु, उधर बोलो, वो हमारी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। और अभी तो स्पेशली उन्होंने मेरा ध्यान रखा है कि बेबी हुआ है तो भेज देते हैं। वाओ, ये है काजू, ये है बादाम, ठीक है? तो होंडा वालों ने हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए सब चीजें भेजी है, तो थैंक यू दिल से उनको कि वो ये सब चीजें भेज देते हैं। हाँ अभी खाना है, ओके, थैंक यू। अच्छा पहले बोलो, नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं इसको खोलूंगा। खोलोगे तो पहले बोल तो दो, बोल दो विशु। थैंक यू, इतने प्यार से भेजा उन्होंने, थैंक यू, वेलकम। और थैंक यू। आप देखो मेरा बाबू कैसे 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 छोया है। ये महाराज जी सो रहे हैं, इनको सुला के हम जाने वाले हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए, और ऐसे बहुत कम लोग तैयार होते हैं मार्केट जाने के लिए। सो फर्स्ट टाइम मार्केट जा रही हूँ बेबी होने के बाद। ये जाने तो नहीं दे रहे, मतलब बड़ी मम्मी बोल रही है कि लहसुन रख लो, छोटी मम्मी बोल रही है चाकू रख लो, है ना? तो हमने लहसुन भी रख लिया है, चाकू भी रख लिया है। ये लहसुन है, ठीक है? और ये अगर कोई दुख तकलीफ हुई तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, तो होगी कुटाई। कुटाई। और हमारे विशु भी तैयार हो गए हैं, बेबी को अच्छे से फीड करा दिया है।
किसके मेरे हाँ। अब काजल लगा मम्मी काजल काजल क्यों लगेगा अब मम्मी काजल लगा रही हूँ बाहर जा रही है काजल काजल मम्मी लेकिन मैंने सुना था कि नजर से बचाने के लिए जो काजल लगाते हैं तो जो गंदा जूता होता है उसकी नोक से लगाते हैं बताओ 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 गंदा जूता लेके अरे देखो मेरी भाभी कृष्णा का काजल है अब मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है तुम काम समय से ज्यादा करवाओ तो यही होगा मम्मी क्या है लाओ थोड़ा सही कर क्या हुआ बाबू ये मम्मी पता है इनके जैसा तिल लाना चाहती है मेरे भी यहाँ पे मोटा वाला कि इसके भी तिल आ जाए तो गाइस चलते हैं और बाकी की ब्लॉगिंग करती हूँ घर पे आके कि क्या क्या लेने जा रही हूँ क्या क्या किया है ठीक है क्योंकि कैमरा नहीं उठा पाऊंगी ना अभी तो अभी अश्मि जी की तबीयत खराब हो रही है तो हम आए हैं अश्मि जी के डॉक्टर के पास है ना हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की पर्ची मिल चुकी है विशु के हाथ में विशु भी इसको दिखा रहा है विशु भी दिखा रहे हैं आज आज तो विशु आप बहुत समझदार लग रहे हो इसमें डिजाइन अलग है और ये एक रुद्राक्ष एंड सिल्वर का है वैसे बाबू ये वाला भी ठीक लग रहा था ना और ना बच्चों के लिए कैसी बुरी लगती है एक ना वो भी दिखाओ चांदी की घंटी या फिर चांदी का वो होता है ना दिया दीपक अच्छी है ना हाँ ये ना विशु आप छोड़ दो मम्मा को करने दो ना कौन सा लेना है हाँ इतना बड़ा विशु दो इधर दो लेने तो ये भी थे बट ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी टाइप के हैं सिंपल से चाहिए थे हाँ नहीं एडजस्ट ऐसे तो है तो पर ना मेरे को ना जैसे ये है ना इसमें मतलब दो लेयर होती है तीन का लेयर हो जा रहा है ना मिलेगा ना दिवाली बाद तपस करो नहीं तो ये है देख लो इसका वजन देखो हाँ ये तो बहुत हैवी है नहीं हल्का सा ये हमने अपने न्यू बॉर्न बेबी का सामान ले लिया है रिचू खोल के दिखाओ बेबी का सामान खोल के दिखाओ किसका है ये बोलो छोटे भाई का वाओ ये दिखाओ इसको ओपन करो ऐसे वाओ चले रख दो बंद कर दो हाँ चले थैंक यू बोलो अंकल को बोले थैंक यू सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन चांदी और स्टील का सामान लेना शुभ माना जाता है और दिवाली का शॉपिंग भी सोचा कि अभी कर लेते हैं बट उससे पहले हम चले गए थे अश्मि जी के डॉक्टर के पास सो डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिंस हैं 3 दिन की आपको वायरल भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है सो डॉक्टर के पास से सीधा हम आ गए थे विशु का टेबल लेने एंड बेबी का है नामकरण सो चौकी लेने भी आ गए थे बहुत एक्साइटेड हैं हम बेबी के नामकरण के लिए सो यहाँ पे सोचा कि चौकी बाद में लेते हैं क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम अश्मि जी को बहुत ज़्यादा हो रही थी सो अभी का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी इसके आगे का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हैप्पी धनतेरस और यहाँ से वीडियो का टेबल निकले चलते हैं